नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र का है, जहां लालकुर्ती पुलिस और सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि काफी समय से तीन शातिर चोर मेरठ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोबाइल टावर के BTS चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सर्विलांस टीम के सहयोग से इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के BTS खरीदने वाले दो कबाड़िया को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो गिरोह का मुख्य सरगना विकास इंजीनियर है और पूर्व में एयरटेल कंपनी में काम करता था। पुलिस अधिकारियों की माने तो तीनों शातिर चोरों विभिन्न क्षेत्रों से लाखों रुपए के मोबाइल टावर के BTS चोरी करके कबाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से दो BTS एयरटेल, चार BTS आइडिया और 13 जंपर और चोरी के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। मालूम चीनी व्यापारी ने कुछ बदमाशों ने डकैती डाली, क्या है पूरा मामला और क्या इसमें गिरफ्तारी या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? सिंबावली का सुबह में आज 2 बजे करीब एक घटना घटी। एक महेंद्र गोयल जी हैं, वो तो अपनी फैक्ट्री पे गजरौला गए हुए थे, उनकी वाइफ घर में थी, तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो 6-7 लोग, जैसा कि उनकी पत्नी का कहना है, अंदर आए हैं। उन्होंने आंटी कह के इनको संबोधित किया है। उसके बाद कुछ जो कहते हैं इन्होंने स्टोर की चाबी उनसे मांगने का प्रयास किया, तो इन्होंने बताया कि चाबी हमारे पास नहीं है। फिर इनका कंगन और कुंडल वो लेकर गए हैं। कैश के बारे में इनका कहना है कि हमें पता नहीं है, रेचकारी कुछ थी उसके बारे में, हो सकता ले गए हों, हो सकता न ले गए हों। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं, SOG भी लगा दी गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ CCTV कैमरा द्वारा कुछ सुराग मिले? हम लोग CCTV कैमरा, बाकी अन्य जो भी हमारे पास माध्यम हैं, सभी माध्यमों से प्रयास कर रहे हैं कि घटना का शीघ्र खुलासा करें। रोल। सर, BTS चोरी के कुछ आरोपी पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है, कैसे टारगेट किया? ये विगत काफ़ी दिनों से ये हमारे पास ये सूचना मिल रही थी और इस संबंध में मुकदमे भी कायम हुए हैं कि ये जो टावर BTS टावर होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वहाँ से ये चोर उसके इक्विपमेंट्स ये चोरी कर लेते हैं और काफ़ी कीमती होते हैं। और ये जैसे 2.5 लाख जिनकी कीमत बताई जाती है उसको चोरी कर देते हैं, तो उससे वो BTS काम करना बंद कर देता है और इसका 4G का नेटवर्क ये सफ़र करता है उससे। तो इसी में जब हमें सूचना मिली, टीम ने काम किया, सर्विलांस टीम ने बहुत मेहनत की है और थाना लालकुर्ती पुलिस द्वारा मिलके इसमें इनको ट्रैक किया गया और फिर इसमें 5 लोग आज हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने इन घटनाओं को कबूला है। टोटल 5 घटनाएं जो इन्होंने की थी अलग अलग थाना हैं। अभी तो 5 है। इनको गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने बताया है कि अलग अलग थाना क्षेत्र में इन्होंने 5 घटनाएं कारित की हैं। लगभग इनके पास से जो सामान मिला है उससे ये लग रहा है कि 8 BTS इन्होंने जो है उनसे बरामदगी हुई है और 3 अन्य उनका भी सामान इन्होंने जो बेच दिया उसके रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि ये चोरी करने वाले 3 लोग हैं, जिनमें एक विकास, एक अर्जुन और एक मोनू त्याग, ये 3 लोग चोरी करते हैं और आगे फिर ये फर्दर इनको अलग अलग कबाड़ियों को भेज देते हैं। एक दो कबाड़ी इसमें और शेष हैं जिनके अभी तलाश की जा रही है, उनके दबिशें दी जा रही हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तो उनसे भी बरामदगी की जाएगी। इनका कोई सर आपराधिक इतिहास कुछ? ये भी जानकारी की जा रही है कि अभी इनका पहले का कोई आपराधिक इतिहास। सर, चोरी करने के बाद कहाँ बेचते थे, क्या करते थे? अलग अलग जगह कबाड़ियों को भेज देते थे, बहुत बड़े सस्ते दामों भेजते थे। 2.5 लाख का इक्विपमेंट है उसको ये 9-10 हज़ार में, इनका बताना है कि 9-10 हज़ार में मात्र भेजते थे। वो कबाड़ी आगे कहाँ भेजते थे जो पकड़े जाएंगे तो वो आगे बताएंगे। इनका मास्टरमाइंड कौन है, कुछ पता चला सर? ये तीनों मिलके काम करते हैं, ये विकास, अर्जुन और मोनू त्यागी, ये तीनों ही मिलके इसमें काम। कितने समय से काम कर रहे हैं ये? काफ़ी दिनों से ये घटना चल रही है, लगभग 1 महीने से ये हम लोग इसमें परेशान थे कि ये बार बार घटनाएं हो रही थी। तो हमें ये जानकारी थी कि कोई गैंग इसमें ऑपरेट कर रहा है। इसमें पूरा गैंग हम वर्कआउट करके जो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो इनके जैसे घटना कारित करने वाले ये लोग हो गए, फर्दर जो इन ये माल खरीदते हैं और आगे जहां बेचते हैं, सबको ट्रैक करके हम इनको इनका गैंग रजिस्टर कराएंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। ये था कि कभी इस तरह के काम में टावर में इन्वॉल्व रहेंगे, टावर कंपनी में कुछ काम करते तो वहाँ से आइडिया मिला होगा या टावर चोरी भी हो सकते हैं BTS? ये अभी जानकारी की जा रही है इनके, कौन कहाँ पे पहले काम करता था उसी हिसाब से फिर इसमें बताया जाएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।